हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि यूसीएल पर सभी अपडेट धीरे धीरे आ रहा है कि कुछ की क्रेडेंशियल बन रही हैं, कुछ की बन चुकी हैं, कुछ का अभी सभी जिलों में लगभग सेंटर स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं आपको आज बताऊंगा कि जो यूसीएल का टाइम वर्क है वो सबको लेकर इशू हो रहा है कि किस टाइम हम काम कर सकते हैं, किस टाइम नहीं कर सकते हैं। कुछ भी एली 12 घंटे काम कर रहे हैं, कुछ भी एली 13 घंटे काम कर रहे हैं। डबल डबल दो बार जीपीएस लगाते हैं, क्योंकि एक जीपीएस का टाइम एक बार होता है। बस एक बार अगर हमने जीपीएस लगाया तो 12 घंटे वर्क करता है। तो कुछ भी एली इसमें क्या कर रहे हैं कि वो फिर से जीपीएस लगा के कार्य कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि आपको कार्य करना है नहीं करना, और किस टाइम आप कार्य कर सकते हैं। मैंने अपने जो सीएससी के सीईओ है श्री दिनेश त्यागी जी को मैंने एक मैसेज किया था, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। एक बार ईशा शेट्टी मैम से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, फिर भी आपको परेशानी हो रही है, आपको पूछताछ करनी है कि टाइम कब से कब तक होना चाहिए। तो मैं आपको ऊपर से कंफर्म करके बता दूंगी। मेरी 2-3 दिन पहले बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने बताया था कि हम आपको जल्दी ही अपडेट देंगे। टाइम को लेकर इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं हालांकि मैं खुद भी परेशान था कि किस टाइम कार्य करना चाहिए, किस टाइम नहीं करना चाहिए। एक बार अनुराग सर को से बात हुई, उन्होंने कहा कि ऑफिशियल टाइम का कार्य कर सकते हैं। तो ऑफिशियल टाइम का क्या टाइम है? ऑफिशियल टाइम होता है 10 से 6, 10 से 5 होता है ऑफिशियल टाइम। फिर भी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, कोई अब 12 घंटे काम कर रहा है, कोई 8 से 8 कर रहा है, कोई 7 से 7 कर रहा था। आज वो कन्फर्म हो गया कि हमें किस टाइम से किस टाइम तक वर्क करना है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और कुछ इशू ये चल रहा है कि कुछ अपडेट लोकल डाटा एरर किसी की जो है मशीन रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही। मैं उनसे सभी से कहना चाहूँगा कि आप फिर से फाइल इंपोर्ट करो ईसीए में जाके, और अपनी प्रॉक्सी फाइल और क्रेडेंशियल फाइल को रिप्लेस कर दो, आपका जो है मशीन रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो जैसा कि मेरे डेस्कटॉप पर मैंने कुछ ग्रुपों से स्क्रीनशॉट लिए हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये यूपी डीवी पी का ये ग्रुप है कोई, उसमें सर इसमें अनुराग सर ने खुद पोस्ट डाला है, और ये उन्होंने ये डाला है एक फोटो पीडीएफ आईईसी सैंपल। ये सभी को अपने सेंटर पर लगाना है। ये फाइल है पीडीएफ, इसमें इनसाइड और आउटसाइड की फाइल आप सभी ने देखी होगी। ये सभी को अपने जो है उसमें लगाना है, ग्रुप में नहीं सॉरी सेंटर पे लगाना है। एक इनसाइड का फोटो, एक आउटसाइड का फोटो है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि अनुराग सर के द्वारा मैसेज है, आधार कार्य का निर्धारित समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का ही है। इससे पहले या बाद में कार्य मत करें। वीएलई अपना सेंटर रोजाना सोमवार से रविवार, हम देखो रविवार में भी कार्य कर सकते हैं, हम प्रतिदिन अपना सेंटर खोल सकते हैं। और उन्होंने कुछ नोट करके संकेत दिए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको इसमें दिख रहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है उन्होंने। और उसमें उन्होंने एक छोटा सा ये भी दिखाया है कि नोट नोट में करके इन्होंने ये बताया है कि नोट सेंटर पर सभी एंट्री रजिस्टर रखना अनिवार्य है, जिसमें निम्न चीज़ें अंकित होना जरूरी हैं। निम्न चीज़ें जैसे कस्टमर, आप एक रजिस्टर बनाइए, सबसे पहले उसमें नंबर मेंशन कीजिए कि कस्टमर की स्लिप पर कौन सा नंबर निकल रहा है। मैंने बनाया हूँ, जैसे मैं बनाया हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर, कस्टमर की स्लिप का कौन सा नंबर लास्ट में निकल रहा है, फिर उसके बाद डेट, कौन सी डेट में कस्टमर ने इनरोलमेंट कराया, फिर उसके बाद कस्टमर का नेम और कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर ने क्या चेंज कराया वो, और कस्टमर का एड्रेस और मोबाइल नंबर, लास्ट में उसने कितना शुल्क लिया, मतलब आपने कितना शुल्क लिया कस्टमर से, वो मेंशन करा के और आप साइन कर सकते हैं, साइन करा कर रख सकते हैं। अनुराग सर ने खुद बताया है। तो और एक एक तो प्रूफ ये हो गया आपके पास, और एक मेरे पास और मैसेज है ईशा शेट्टी मैम का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको दिख रहा होगा मैंने इनका नंबर हाइड कर दिया है, जैसे कि मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये आधार यूसीएल ग्रुप है, और
देख रहे हैं आधार यूसीएल यूपी ग्रुप है, इसमें अनुराग सर भी हैं और गौरव त्यागी जी हैं, त्यागी सर हैं इसमें, आपको दिख रहा होगा। इन्होंने भी यही सैंपल शेयर किया है, आपको सेंटर पे इनसाइडर आउटसाइड लगा के रखना है और आपको इनकी इन्फॉर्मेशन भी दिख रही होगी। सेम इन्होंने जो अनुराग सर ने मैसेज किया है सेम ये मैसेज कर रहे हैं, और लास्ट में इन्होंने ये भी लिखा है कि सिर्फ ओरिजिनल दस्तावेज ही मान्य होंगे जो लिस्ट में अंकित हैं, कृपया कोई फोटो कॉपी ना लगाए या ब्लैक एंड वाइट स्कैन ना करें। आपको मैंने प्रूफ के साथ दिखाया, ये ईशा सेठी मैम है कोई सीएससी की, जैसे रश्मि मिश्रा कुछ कार्य देख रही है मैम, और ऐसी ये ईशा सेठी मैम है जो सीएससी में यूसीएल का कुछ निर्धारित कार्य देख रही हैं। और इन्होंने कल एक ग्रुप में मैसेज किया, मैं भी उस ग्रुप में हूँ, और दूसरा जो मैं ग्रुप था उसमें मैंने स्क्रीनशॉट किसी कस्टमर का, किसी कस्टमर मतलब वीएलई ने शेयर किया था ग्रुप में, वो मैंने ले लिया हूँ। तो आशा करता हूँ आपको निर्धारित समय का पता चला होगा, और प्रूफ के साथ मैंने दिखाया है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप निर्धारित समय में ही कार्य कर रहे हैं, वरना आपका जो है सेंटर पर या यूसीएल पर कोई दिक्कत आ सकती है, शायद वो ऊपर से बंद कर दें या स्टॉप लगा दें या 1 महीने के लिए बैन कर दें, कुछ भी कर सकते हैं वो, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि उन्हें टाइम का नहीं पता, ऐसा सोचना आपका गलत है, क्योंकि आप जब रिसिप्ट जनरेट करते हैं आपकी स्लिप निकल के आती है जो कस्टमर को हम देते हैं, उसमें टाइम और डेट दोनों मेंशन होते हैं, और आपको ऐसा लगे कि उन्हें नहीं पता, उन्हें सब कुछ पता है। यूआईडीआई वालों को भी सब कुछ पता है, क्योंकि जब वो हमारे पैकेट को अप्रूव कर रहे हैं, हमारे आधार को बना रहे हैं, हमारे आधार को अंडर प्रोसेस में डाल रहे हैं, तो उन्हें टाइमिंग का बिल्कुल सब कुछ पता है कि किस टाइम कौन सा किस किस सेंटर से किस क्रेडेंशियल आईडी से हमारे पास जो है वो इनरोलमेंट आ रहा है। तो ऐसा ना सोचे कि किसी को कुछ नहीं पता, सबको सब कुछ पता है, और आपका ये सोचना जो है गलत है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, और मैं यूसीएल से संबंधित सभी जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूँ, पर मैं अब वीडियो जो है जल्द नहीं बना पाता। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है या आपकी मशीन रजिस्टर्ड होने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सभी दोस्तों को, और धन्यवाद।